कंगना रनौत है एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस और साथ साथ वो जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी और निडरता के लिए, और शायद इसीलिए कंगना के बॉलीवुड में है कई दुश्मन। तो चलिए बात करते हैं कंगना की बॉलीवुड में हुई बिगेस्ट फाइट्स के बारे में। दीपिका पादुकोण, ये बात तब की है जब फिल्म फेयर में दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और उन्होंने वो अवार्ड कंगना को कर दिया था डेडिकेट स्टेज पर। जब कंगना से इसके बारे में पूछा गया तो कंगना ने कहा कि मुझे किसी के अवार्ड की जरूरत नहीं, जहां पूरे बॉलीवुड ने मुझे क्वीन की परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर दीपिका का एक बार भी मुझे ना ही कोई फोन और ना ही कोई मैसेज आया। तब से आज तक कंगना और दीपिका के बीच कोल्ड वॉर है। सोनम कपूर, मीटू मूवमेंट के चलते कंगना ने ये कहा कि क्वीन के डायरेक्टर विकास बैल ने उन्हें इनअप्रोप्रिएटली छुआ था। उस पर जब सोनम से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि कंगना को सीरियसली नहीं ले सकते। तब कंगना ने सोनम को जवाब देते हुए कहा, What does she mean by saying it's hard to believe Kangana? When I am sharing my Me Too story, who gives her a right to judge me? So Sonam Kapoor has the license of trusting some women and some she won't. What makes her so unsure of my claims? I am known to be an articulate person and I have represented my country in many international summits. I am called as a thought and youth influencer to these summits. I am not known because of my dad. I have earned my place and credibility after struggling for a decade. इस पर इंस्टाग्राम पर सोनम ने दिया था ये क्लैरिफिकेशन, वुमेन नीड टू स्टैंड टुगेदर, इररिस्पॉन्सिबल मीडिया हैव मिसकोटेड मी और टेकन माय कोट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड मेड अदर वुमेन रिएक्ट, ऑल आई वांट टू से इज दैट ऑल आई हैव इज कंपैशन एंड लव फॉर यू, आई एम प्राउड ऑफ वेयर आई कम फ्रॉम एंड सो शुड एवरी अदर वुमेन और मैन, लेट्स स्टैंड टुगेदर एंड स्पीक अप, लेट्स नॉट पुल ईच अदर डाउन विद बिटरनेस एंड नेगेटिविटी, लव इज ऑलवेज द आंसर। सोनू सूद, सोनू सूद थे मणिकर्णिका का एक हिस्सा पर उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। सबका कहना था कि कंगना के साथ हुए झगड़े की वजह से सोनू ने फिल्म छोड़ी, पर कंगना ने ये डिनाई करते हुए कहा कि जब मैं सोनू से शूटिंग के दौरान मिली ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है। और सोनू ने ये फिल्म इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें एक फीमेल डायरेक्टर के अंडर काम नहीं करना था। ये बहुत ही लंबा विषय है, इसमें इस वक्त बात करना जरूरी सही नहीं है क्योंकि ये इवेंट है एंड मेरे भी कुछ लिमिटेशंस हैं एज एन आर्टिस्ट। मैं इस बात से हैरान हूँ क्योंकि सोनू मेरे अच्छे दोस्त थे और मैंने भी उनकी फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया था, और साथ ही साथ कंगना ने सोनू पर अनप्रोफेशनल होने का भी इल्जाम लगाया था, और वो भी ये कहकर कि उन्होंने ढंग से डेट्स भी नहीं दी थी और वो उनका लुक कैरेक्टर के हिसाब से नहीं रख रहे थे। इस पर सोनू ने कहा, That was not my statement. I never said that I don't want to work with a female director because I've already done a movie with a female director. I only said I can't be working with two directors on one set. So I will always maintain that stand. And in a span of all these years, whatever films I have done, 80 to 90 movies, I have worked with one director at a time. So that is my stand and I will always stick to it. क्या आगे चलकर कंगना और सोनू वापस दोस्त बन पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। करण जौहर, करण जौहर और कंगना रनौत के बीच जंग शुरू हुई जब वो कॉफी विद करण पर गेस्ट बनकर गई थी और उन्होंने करण पर नेपोटिस्टिक होने का इल्जाम लगाया था, और तब से हर जगह बात होने लगी नेपोटिज्म के बारे में। फिर एक अवार्ड शो में करण ने कंगना को जवाब दिया था ये कहकर कि वुमेन कार्ड यूज कर रही है, और उसके बाद भी आपस में दोनों के नोकझोंक चलती रही। फिर रिसेंटली कंगना रनौत ने करण जौहर के कॉफी विद करण सीजन 6 के प्रोमो पर उंगली उठाते हुए कहा, आई वॉज सीइंग सम प्रोमो दैट दे हैव लॉन्च्ड फॉर द स्टॉक शो। Again, those same frivolous talks are going on. This one sleeping with this one with that one. Making girls look like Barbie dolls, that is not done. And why men who change women like clothes being glorified? Has there been a woman who has been glorified like that? और कंगना ने करण जौहर के मीटू मोमेंट पर कुछ ना बोलने के लिए भी उनकी निंदा की। अध्ययन सुमन, अब ये तो सब जानते हैं कि अध्ययन सुमन थे कंगना के एक्स, और उन्होंने कंगना पर उन्हें मारने पीटने और उन पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था और कहा था, I remember going to my tarot reader after she started making me doing pujas. She told me she sensed a woman from Pahadi region doing black magic on me. I knew only one person back then, my girlfriend Kangana, who used to go to Himachal for certain pujas there. Another astrologer asked me, the first thing he asked me was, Khana banati hai tumhare liye? When I said yes, he said, apna impure blood milati hai khane mein, black magic ke liye. Us par Kangana ne kaha, The black magic witch, the ultimate witch. I like it though, but I didn't like the way it was said. But I like the mystery of it. जब ये बात को सब भूल गए थे तब मीटू के चलते अध्ययन ने कहा कि जब उन्होंने अपनी कंगना के अगेंस्ट मीटू की स्टोरी बताई थी तब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। ऋतिक रोशन, अब ऋतिक रोशन के साथ हुई लड़ाई से तो सब वाकिफ है। कंगना का कहना है कि वो और ऋतिक रिलेशनशिप में थे।
it will be very unethical of me and unprofessional of me to usurp this platform and use it for my own personal gain to talk to you about this issue. और जब ऋतिक डर गए कि कंगना उनकी रिलेशनशिप को पब्लिक ना कर दे, तब ऋतिक ने उनके अकाउंट से ही खुद को लव लेटर भेजे, और ऐसे लेटर भी जिसमें कंगना ने कहा है कि उन्हें दिमागी बीमारी है, और खुद ही ऋतिक ने उन पर लीगल केस कर दिया। ऋतिक का कहना है कि वो मेल्स कंगना ने उन्हें भेजे थे और वो कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। खैर, क्या सच है और क्या झूठ पर उनका शोडाउन एक नेशनल डिबेट बन गया था। आपका क्या कहना है कंगना और उनके बॉलीवुड में दुश्मनों को लेकर, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।